हमने आपको दिखाया किस तरीके से सलमान खान वाट लगा रहे हैं अंकित गुप्ता की घर के अंदर। अंकित को इतनी ज्यादा डांट फटकार पड़ रही है बिग बॉस से, क्योंकि बिग बॉस ने एक लंबे अरसे तक 3 हफ्ते दिया अंकित को संभलने के लिए। अब तो पूरे 1 महीने होने को आ रहे हैं बिग बॉस शुरू हुए, लेकिन अंकित का घर में योगदान बिग बॉस को नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए अंकित को जगाने के लिए बिग बॉस ने लिया बड़ा और कड़ा फैसला। सलमान खान के जरिए इस वक्त अंकित गुप्ता की वाट लगने वाली है कि आपका जो भी टैलेंट है वो घर के अंदर है, तो आपका जो भी टैलेंट है आपके अंदर है, तो क्या हम आपको स्कैन कर आपका टैलेंट बाहर निकालें? हमें कैसे पता कि आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, घर के अंदर आप कहां हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा अगर आप नहीं दिखेंगे? तो बुरी तरह से बैशिंग हुई। जैसे ही बैशिंग हुई, जैसे ही ये वीडियो सामने आया, फैंस का ताबड़तोड़ सपोर्ट अंकित गुप्ता को मिल रहा है। जी हाँ भाई, अंकित के चलते ऐसा लगता है कि अब फैंस सलमान के अगेंस्ट हो गए हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूस। एज आई सेड, मैं हूँ ज्योति नाहक। बैक टू बैक कई सारे ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं अंकित का जो प्रोमो है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये जो प्रोमो है, इस प्रोमो के कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि प्रोमो के कमेंट सेक्शन में बैंड बजाई हुई है फैंस ने सलमान खान की। जी हाँ, फैंस कहते हैं कल के टास्क में अंकित बहुत बढ़िया खेला, उसे कुछ मत बोलो। राइट, यू नो ही इज गुड बट नीड टू इन्वॉल्व मोर। अंकित बहुत अच्छा है, कैसा भी है वहां बाहर बहुत अच्छा दिख रहा है, उसे गंदा तो और लोग दिखा रहे हैं, नहीं सुनाया जा रहा है सर आपको। जी हाँ, यानी कि अंकित को सब सपोर्ट कर रहे हैं कि सर आप जैसे भी हैं, आप बाहर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप जैसे हैं वैसे रहिए, आपको भले ही कितनी भी बैशिंग मिले, कितनी भी ट्रोलिंग मिले। अभिनव के साथ भी सेम हुआ था, पीपल ब्लेम्ड रूबीना फॉर डोमिनेटिंग अभिनव एंड नाउ ब्लेमिंग प्रियंका फॉर डोमिनेटिंग अंकित। अगर अंकित कुछ नहीं कर रहा घर के अंदर, तो स्टैन भी कुछ नहीं कर रहा है, स्टैन भी ज्यादा नजर नहीं आता। आई लव प्रियंकित बट दिस इज नेसेसरी फॉर अंकित, लेकिन हाँ बोलने का भी एक तरीका होता है। आगे फैंस लिखते हैं गोरी भी तो गालियां देती है, वो तो घर के अंदर कुछ नहीं कर रही, अंकित पर ही क्यों बेवजह भड़क रहे हैं आप लोग। आगे फैंस लिखते हैं लाइव फीड में अंकित इतना कुछ करता है बट ये एपिसोड में क्यों नहीं दिखाते, अंकित पूरा दिन घर में इन्वॉल्व रहता है पर ये एपिसोड में क्यों नहीं दिखाया जाता। आगे फैंस जो है, मतलब आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टेंटली इन्हीं चीज़ों पर बवाल मच रहा है, कॉन्स्टेंटली इन्हीं चीज़ों पर अंकित को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि कई सारे फैंस जो लाइव फीड कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, जो फैंडम्स हैं, उनका ये कहना है कि अंकित 24 घंटे लाइव फीड में एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या तो घर का काम या फिर यहाँ वहाँ बातचीत कर रहे होते हैं, प्रियंका के साथ मस्ती, प्रियंका के साथ मस्ती, अर्चना के साथ मस्ती, अब्दू, साजिद, सबके साथ वो बातचीत कर रहे होते हैं, तो फिर एपिसोड में क्यों नहीं दिखाया जाता? जस्ट बिकॉज वो लड़ नहीं रहे किसी से, तो जब तक वो लड़ नहीं रहे तब तक क्या वो शो का हिस्सा नहीं है? सो ये जो चीजें हैं, जनता अब सलमान पर भड़क रही है, मेकर्स पर भड़क रही है, अब आपकी क्या कहना, आपका क्या कहना है इस पर बताइएगा।